देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू हो गया है। वहीं सोमवार को जैसे ही CAA लागू करने का ऐलान हुआ, वैसे दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई, बल्कि पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। पुलिस की तरफ से उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहीनबाग, जामिया और दूसरे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ हिस्सों में पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की साइबर इकाई भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी नजर रखी हुई है। दिल्ली में 2020 में आपको बता दें CAA और NRC को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई थी और कई लोग घायल भी हो गए थे, जिसे देखते हुए पहले ही इन इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बात अगर दिल्ली के सीलमपुर इलाके की करें तो यहां दिल्ली पुलिस और RAF ने फ्लैग मार्च किया, बल्कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वही पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए उत्तर पूर्व जिले के पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों की ओर से गहन गश्त और जांच की जा रही है। इसके अलावा आला अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि लोग ना तो कोई अफवाह फैलाएं और ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। बताया जा रहा है कि CAA लागू होने के कुछ ही घंटे बाद सोमवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से जामिया में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर दिल्ली पुलिस के साथ साथ RAF की भी तैनाती की गई है। सूत्रों की माने तो कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें सोमवार को CAA को लागू करने की घोषणा की गई। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। CAA नियम जारी होने के साथ ही मोदी सरकार अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और लोग भी शामिल हैं। वहीं CAA लागू होने के बाद विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है, बल्कि विपक्ष ने इसे सीधे सीधे लोकसभा चुनाव से जोड़ डाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।